अब बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक बार हम लोग ये लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके साइड में बॉक्सेस हैं। इसमें आपको लीडर्स के बारे में बताया गया एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि रशिया के अंदर एक ही सिंगल पार्टी थी और वो किसी ऑपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं करती थी, तो हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि कौन एक्चुअल में उस पार्टी का लीडर था, कौन था जिसने पर्टिकुलरली सोवियत यूनियन को एस्टेब्लिश किया, कौन था जिसने सब कुछ किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो अगर हम बात करें सोवियत यूनियन के पहले लीडर की, सो दैट वॉज व्लादिमीर लेनिन, एंड उनका टाइम पीरियड क्या था, सो ही वॉज देयर फ्रॉम 1870 टू 1924 एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। जो अभी हमने बात करी कि रशिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ था किस चीज़ को लेके, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अगेंस्ट द अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये जो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन था जो अगेंस्ट कैपिटलिज्म था वो किसने लीड किया था, सो दैट वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन एंड ही वाज द फाउंडर, मतलब इन्होंने ही बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी थी, स्थापना की थी, एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन। और यही वो इंसान थे जिन्होंने यूएसएसआर को भी फाउंड किया था, मतलब फाउंडिंग हेड भी यूएसएसआर के यही थे। An outstanding theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for all the communists all over the world. तो ये खुद को बोलते हैं कि वो मार्क्स की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर आपने सोशोलॉजी में पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी की बात करी थी जहाँ पे सब कुछ सरकार के द्वारा ओन किया जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग या जितने भी हमारे आजकल रिसर्चेस हैं उनके अकॉर्डिंग व्लादिमीर लेनिन खुद को बोलते तो हैं कि उन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फॉलो किया, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, या वो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थे, बट एक्चुअल में जो इन्होंने कॉम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट किया, जो कार्ल मार्क्स का कॉम्युनिज्म वाला आइडिया है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करा। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स को अपनी जगह ठीक थे, कार्ल मार्क्स की जो अपनी आइडियोलॉजी थी अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी, बट उसको सही तरीके से किसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो हु वॉज द फाउंडिंग हेड ऑफ यूएसएसआर, सो दैट वॉज व्लादिमीर लेनिन। पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, तो दैट वॉज बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एंड कहाँ से इंस्पायर थे, किसकी थ्योरी से इंस्पायर थे, तो ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर द व्लादिमीर लेनिन। सो व्लादिमीर लेनिन के बाद जो सक्सेसर बने सोवियत यूनियन के, सो दैट वॉज योर जोसेफ स्टालिन, हु रूल फ्रॉम 1879 टू 1953। और इन्होंने ही फिर क्या किया था, इन्होंने बेसिकली पूरे सोवियत यूनियन को कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है उसको इकट्ठा करना। हमने बात करी कि 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू में जो रशिया की विक्ट्री है, जो सोवियत यूनियन की विक्ट्री है, उसका भी क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो यही थे वो जोसेफ स्टालिन, हु इज क्रेडिटेड विद द सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वैसे तो जो वर्ल्ड वॉर टू था आपका, वो जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके बाद ही हो गया था, मतलब न्यूक्लियर अटैक के बाद एकदम सीज फायर वाली कंडीशन हो गई थी। यूएसए ने फाइनली फिर रिपेंट किया कि यस, उनको न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करनी चाहिए थी। सो वी कैन से दैट सोवियत वन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत यूनियन हैड अ विक्ट्री। तो उसका भी जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, जोसेफ स्टालिन को जाता है, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बिगिन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी उनको बनाना अपने नेशन के अंदर, एंड ऑल्सो टू फोर्सिबली कलेक्ट द एग्रीकल्चर, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर, अब से पहले यहाँ पे क्या था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, तो इन्होंने क्या किया था, उसको जबरदस्ती स्टेट का बना दिया, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर सब चीज किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है या फिर गवर्नमेंट के पास होती है। तो इससे पहले जो भी लैंड या जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, तो उसको इन्होंने क्या करा था, फोर्सिबली खुद कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, एंड ऑल्सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। बेसिकली क्या था, अब रशिया इतनी बड़ी कंट्री थी और उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी 15 रिपब्लिक्स, एंड ये सब मिलके आपका यूएसएसआर बनाते हैं, सोवियत ब्लॉक बनाते हैं। अब इस
पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अग्री करेंगे कि हाँ हम लोगों को कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी है, कैपिटलिज्म को हटा दो बिल्कुल कम्प्लीटली। तो इन्होंने क्या किया था, इस अपने एरिया में जितने भी लोग थे जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को कहीं पर भी सपोर्ट करते नजर आ जाते थे, तो ही यूज टू किल दैट पर्सन डायरेक्टली। और इन्होंने देखा नहीं कि वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन, उन्होंने सिंपली सबको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस पूरे टाइम पीरियड को जो 1930s वाला टाइम है, इसको द पीरियड ऑफ ग्रेट टेरर भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय अगर कोई भी इनकी इनके अगेंस्ट बोलता है, इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, तो दैट मीन्स द पर्सन विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दैट ही वॉज अ वेरी अथॉरिटेरियन पर्सन, अथॉरिटेरियन मतलब खुद को डिक्टेटर की तरह समझते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ एंड किसी और के ओपिनियन नहीं लेते थे। ठीक है, काइंड ऑफ अ डिक्टेटर ही एक्ट करते थे। एंड ऑल्सो ही एलिमिनेटेड द राइवल्स विद इन द पार्टी। राइवल्स मतलब जो कोई भी इनके अंदर जो पार्टी थी, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, अगर उसके अंदर कोई ऐसा इंसान है जो इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है या उनके खिलाफ जा रहा है, तो ये अपनी पार्टी से भी चुन चुन के सबको निकाल रहे थे, सबको एलिमिनेट कर रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन ना बच जाए जो कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो इनके बारे में ये था, जोसेफ स्टालिन के बारे में। इस लीडर, ये जो हमारे लास्ट लीडर हैं सोवियत यूनियन के, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो अब तक हमने तीन लीडर्स के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन थे, व्लादिमीर लेनिन एंड उसके बाद जोसेफ स्टालिन, एंड थर्ड वन हमने पढ़ा मिखाइल गॉर्बाचेव, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं निकिता निकिता क्रुशेव के बारे में। ठीक है, ओके, सो ही रूल्ड फ्रॉम 1894 टू 1971 एंड ही वाज द सॉरी ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स जस्ट क्विकली रीड अबाउट द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। अब तक हमने तीन लीडर के बारे में बात कर ली है। नंबर वन वॉज योर व्लादिमीर लेनिन, द सेकेंड वन वॉज योर स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, एंड द थर्ड वन वॉज योर गॉर्बाचेव और मिखाइल गॉर्बाचेव। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट निकिता क्रुशेव। ठीक है, एंड ही बेसिकली रूल्ड द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1953 टू 64 and he denounced Stalin's leadership style and introduced some reforms in 1956. He suggested peaceful coexistence with the Western world, involved in the suppressing popular rebellion in Hungary and in Cuban missile crisis. तो आप ये देखेंगे कि इनकी भी जो अप्रोच थी वो थोड़ी बहुत गॉर्बाचेव की तरह थी। ये भी क्या चाहते थे, सॉफ्ट अप्रोच रखना चाहते थे लोगों की तरफ। ठीक है, इन्होंने भी जो स्टालिन की जो स्टाइल था उसको बिल्कुल क्या कर दिया, डिनाउंस कर दिया। डिनाउंस मतलब स्टालिन की जो लीडरशिप स्टाइल था उसको त्याग दिया, उसको इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। इन्होंने इन रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। ये भी किस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ हम कैसे रिलेशन रखें, तो पीसफुली हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रहें। ठीक है, और हंगरी और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी इन्होंने काफ़ी हद तक जो रेबेलियन था उसको सप्रेस करने में अपनी योगदान दिया। ठीक है, मतलब जहाँ पर लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई को रुकवाने में। वी हैव अनदर लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड ही इज लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, सो ही वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1964 टू 82 एंड ही प्रपोज द एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एसोसिएटेड विद डिटेंटिव फेस इन रिलेशन विद द US. He was also involved in suppressing the popular rebellion of Czechoslovakia and in invading the Afghanistan. तो वैसे अब इस टाइम तक तो सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो ही गया था, बट थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का प्रपोजल रखा था कि मतलब हम एशिया के साथ मिल बांट के काम करेंगे, एंड ऑल्सो इन्होंने चेकोस्लोवाकिया में एक पॉपुलर रेबेलियन था उसको सप्रेस किया था। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं। इन्होंने आज तक कोई USSR के डिसइंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं किया। एक ही लीडर के बारे में हम और बात कर लेते हैं। ओके, तो ये तो अपने माइकल गॉर्बाचेव ही हैं। तो माइकल गॉर्बाचेव, ही वॉज बॉर्न इन 1931 एंड ही लॉस्ट द लीडर ऑफ द सोवियत। मैंने बोला था ना, ही वॉज द लास्ट रूलर, माइकल गॉर्बाचेव लास्ट रूलर है। तो ये जो बीच में एक थे ये माइकल गॉर्बाचेव से पहले थे। ठीक है, तो ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड ही वॉज देयर फ्रॉम 1985 टू 91। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं कि इनकी बहुत पॉलिसीज कैसी थी, बहुत सॉफ्ट पॉलिसीज थी। ये बहुत US के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे। तो उसको कुछ टर्म्स दिए हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। He introduced the economic and political reform policies. ठीक है, इन्होंने कुछ इकोनॉमी में और पॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही थी उसमें कुछ चेंजेस आने की ट्राई किया। एंड
इनको आप देखेंगे तो रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं पेरेस्ट्रॉयका, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट, ओपननेस। ओपननेस मतलब सरकार अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सो दैट ऑल विल बी ट्रांसपेरेंट नाउ। ठीक है, सारे डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, पब्लिकली लिए जाएंगे। तो इन्होंने दो दो रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, एक था आपका पेरेस्ट्रॉयका, पेरेस्ट्रॉयका। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्रॉयका, तो पेरेस्ट्रॉयका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, दूसरा था आपका ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस। ही स्टॉप द आर्म रेस विद द यूएस, यूएस के साथ जो मिलिट्री को लेके पूरी हथियारों को लेके जो रेस थी, दौड़ थी कि हमारे पास ज्यादा हथियार, हमारे पास ज्यादा हथियार, इन्होंने इसको भी रोक दिया। इन्होंने अब अपना जो फोकस था वो आर्म से हटा लिया, मतलब मिलिट्री पावर ये सब इस सब चीजों से हटा लिया। ही विथड्रू द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप, और इन्होंने जो अफगानिस्तान में, इससे पहले आप देखेंगे जो जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने अफगानिस्तान में अपने कुछ आर्मी भेज रखी थी, तो इन्होंने वो भी अपनी आर्मी को वापस बुला लिया, इन्होंने कहा उसको कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ही ऑल्सो हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, एंडेड द कोल्ड वॉर, ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि गॉर्बाचोव की ही पॉलिसीज थी जिसकी वजह से यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ही वॉज द अल्टीमेट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, एंड ऑल्सो इन्होंने ही जर्मनी को यूनिफाई करने में हेल्प की थी। जर्मनी, अभी हमने बताया कि जर्मनी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे बर्लिन वॉल था, तो यही वो पर्सन थे जिन्होंने इवन जर्मनी को भी यूनिफाई करने में। येल्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे हम जानते हैं कि बोरिस येल्सिन कौन है, तो बोरिस येल्सिन वो नेशनल हीरो हैं जिन्होंने फाइनली फिर खुद को प्रेसिडेंट बनाया था, कहाँ का, रशिया का। ठीक है, इलेक्शन हुए थे पॉपुलरली वहाँ पे जिसमें जीत गए थे, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया जब अलग हुआ था तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो वही लिखा है द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फ्रॉम 1991 टू 1999, एंड ही रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी। ही वॉज द मेयर ऑफ मॉस्को बाय गॉर्बाचोव। अभी हमने थोड़ी देर पहले टाइमलाइन में पढ़ा कि जो गॉर्बाचोव थे उन्होंने एक तरीके से हेड बनाया था कहाँ का, मॉस्को का, किसको, बोरिस येल्सिन को। ठीक है, तो सबसे पहले पावर में कब आए, जब गॉर्बाचोव ने इनको क्या बनाया था, मेयर बनाया था मॉस्को, मेयर या हेड बनाया था मॉस्को का। लेटर ही जॉइंड द क्रिटिक्स ऑफ गॉर्बाचोव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, बट बाद में ये क्या किए, इन्होंने गॉर्बाचोव के खिलाफ ही आवाज उठाई और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। देन इन्होंने देश भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, किसके खिलाफ, वही सोवियत रिजीम के खिलाफ, एंड प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। और कहते हैं कि इन्हीं का इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि सारे जो प्रोटेस्ट थे वो कौन लीड कर रहा था, तो दिस पर्सन बोरिस येल्सिन यही सब कुछ लीड कर रहे थे, तो ही प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। ब्लेम फॉर द हार्डशिप सफर्ड बाय द रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। और अभी हम जो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे ना, जो लोगों को पूरा सहना पड़ा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है, तो बोरिस येल्सिन को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो हो गए, इन्होंने यूएसएसआर को तोड़कर अपनी एक अलग कंट्री तो बना ली, उसके हेड भी बन गए, बट अब इन्होंने जो पॉलिसीज लाई, अभी हमने बताया कि यूएसएसआर जब टूटा और रशिया अलग हुआ, तो इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड वाली पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया। वेस्टर्न वर्ल्ड वाली पॉलिसीज मतलब डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, एंड सेकेंड वन वॉज योर कैपिटलिस्ट मॉडल। अब एक ऐसी सोसाइटी जो पिछले 72 ईयर से कॉम्युनिस्ट थी, अब सडनली कोई गवर्नमेंट आके उसको बोलती है कि हम लोग अब आज से कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे, तो सोसाइटी के ऊपर कितना प्रेशर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अगर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उसको हैंडल ना कर पाए प्रॉपरली, तो ब्लेम तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए ना, बिकॉज देन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए था, आप स्लोली स्लोली कम्युनिस्ट से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते। ठीक है, बट आपने इमीडिएटली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, बट आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए किसको ब्लेम किया जाता है, जो भी रशियंस ने सारी हार्डशिप्स को सफर किया कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांसफॉर्म होने में, तो उस सब के लिए भी हम किसको ब्लेम करते हैं, सो बोरिस येल्सिन इज द पर्सन हु नीड्स टू बी ब्लेम फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज दैट द रशियंस हैड टू फेस। ठीक है,